चलिए हम बढ़ते हैं शिफ्ट टू के एनालिसिस पे। आईबीपीएस पीओप्री का जो एग्जाम हुआ था उसके एग्जाम के रिव्यू, डिफिकल्टी लेवल और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले मैंने शिफ्ट वन का एनालिसिस दिया था, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा जाके देख लीजिए, यहाँ पे मैं उसकी आई बटन पे उसकी लिंक दे दूंगा। देखिए ये हम लोग पहले वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं कौन से कितने शिफ्ट्स में ये एग्जाम डिवाइड की गई थी, और ये सब भी हमने पिछली वीडियो में देखा था। अगर इसमें फिर से देखने जाएंगे तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप इसको अगर नहीं पढ़े तो पढ़ लीजिए वीडियो को पॉज करके। चलिए सेकंड शिफ्ट देखिए, एग्जाम एनालिसिस। द लेवल ऑफ दिस शिफ्ट रिमेन्स द सेम एज शिफ्ट वन, मतलब जो शिफ्ट वन की लेवल थी सेम थी शिफ्ट टू में भी, ओके सेम लेवल थी एग्जाम की। देयर वेयर नो चेंजेस इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चन टाइप डिफिकल्टी लेवल, ओके क्वेश्चन टाइप और डिफिकल्टी लेवल के मतलब इसमें कोई भी चेंज यहाँ पर नहीं किया गया। नो न्यू पैटर्न क्वेश्चंस वेयर ऑब्जर्व, कौन से भी नए पैटर्न्स के क्वेश्चंस इस सेकंड शिफ्ट में ऑब्जर्व नहीं किए गए। द ओवरऑल लेवल ऑफ सेकंड शिफ्ट वॉज मॉडरेट, ओके जो पहले शिफ्ट में भी मॉडरेट ही थी। द लेवल ऑफ द इंग्लिश सेक्शन वॉज इजी, ओके अगेन वहां पर भी इजी थी, यहां पर भी इजी ही है। रीजनिंग एबिलिटी वॉज मॉडरेट एंड लेंदी, ओके यहाँ पर देखिए रीजनिंग एबिलिटी थोड़ी सी लेंदी थी, इसके पहले एग्जामिनेशंस में इजी थी, राइट। ओवरऑल नो मेजर चेंजेस वेयर इंट्रोड्यूस, मतलब कौन से भी ज्यादा चेंजेस मेजर चेंजेस इंट्रोड्यूस नहीं किए गए। कैंडिडेट्स विद द क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट मस्ट हैव डन वेल, जिनके कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी थी, जिनका पढ़ाई अच्छा हुआ था, उन्होंने अच्छा किया है एग्जामिनेशन में। द सेकंड शिफ्ट वॉज स्लाइट डिफिकल्ट, ओके स्लाइटली डिफिकल्ट थी, डिफिकल्ट मतलब यहाँ पे निकल के आई है एज कम्पेयर टू द फर्स्ट शिफ्ट। तो यहाँ पे टेंशन लेने वाली आपको कोई बात नहीं है, मतलब बैंकिंग एग्जामिनेशन में एक नॉर्मलाइजेशन का भी जो है प्रोसेस होता है, तो वहां से आपको नॉर्मलाइज किया जाएगा आपका स्कोर। मतलब जो टफ शिफ्ट रहती है राइट, उनके जो स्कोर एग्जामिनेशंस के मार्क्स रहते हैं क्वेश्चंस के, उनको मार्क्स को थोड़ा सा बढ़ा जाता है एज कम्पेयर टू द नॉर्मल इजी लेवल शिफ्ट स्टूडेंट्स, ओके मतलब टफ शिफ्ट में अगर इजी शिफ्ट में अगर सॉरी इजी शिफ्ट में अगर एक क्वेश्चन एक मार्क का है, तो जो टफ शिफ्ट आती है राइट उसमें वो क्या करते हैं, एक क्वेश्चन को 1.20 मार्क्स वगैरह दे देते हैं। बिकॉज क्या होगा, टफ शिफ्ट होगी, टफ होगी शिफ्ट, तो वहां पर नंबर ऑफ अटेम्प्ट भी उनके कम हो जाते हैं राइट। इसलिए ये नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस बैंकिंग एग्जामिनेशन में होता है। अदर मेजर हाइलाइट्स सेम है जो पिछली बार थे राइट, 65 प्लस अटेम्प्ट हुए हैं, और ये जो है सिक्वेंस इस टाइप का है, पहले इंग्लिश वहां पे आया सॉल्व करने के लिए, क्वांट और रीजनिंग। रीजनिंग एबिलिटी सेक्शन रिव्यू 2020, ओके देखिए अभी द ओवरऑल लेवल ऑफ दिस सेक्शन वॉज मॉडरेट एंड लेंदी, बिलो इज द डिटेल एनालिसिस ऑफ द रीजनिंग सेक्शन। देखिए अभी रीजनिंग सेक्शन का हम लोग डिटेल एनालिसिस देखने वाले। पजल्स एंड सिटल अरेंजमेंट के पिछले शिफ्ट में, शिफ्ट नंबर वन में 20 क्वेश्चन आए थे, तो इस शिफ्ट में देखिए एक क्वेश्चन उन्होंने ज्यादा डाला था राइट, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे 25 है, मतलब 5 क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन के 5 सब क्वेश्चन होते हैं, तो टोटल 5 क्वेश्चंस आए थे यहाँ पे रीजनिंग पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट से। देखिए कौन से देख लेते हैं हम लोग। शेड्यूलिंग पजल थी एक, एज बेस 10 पीपल्स गिवन, एज रेंजिंग फ्रॉम 1943, ओके मतलब ये एज बेस पजल आई हुई थी एक। मंथ बेस पजल थी एक, लीनियर अरेंजमेंट ड्यूअल रो, ओके लीनियर अरेंजमेंट ड्यूअल रो, ये एक रो ये दूसरी रो इस टाइप से, ये ड्यूअल रो की थी। टेबुलेशन एक पजल आई थी टेबुलेशन की, यहाँ पे 6 पीपल लाइकिंग 6 फ्रूट्स, फाइन। अननोन नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग इन लिनियर अरेंजमेंट, ये कॉमन अभी हो गया है, मतलब ये जनरली पूछ रहे हैं इस टाइप का क्वेश्चन हर एक एग्जामिनेशन में। इनिक्विलिटी का देख लीजिए, नंबर ऑफ क्वेश्चन 3 आए थे, 1 मिसिंग टाइप था वहां पे, और लेवल इसकी इजी थी। ब्लड रिलेशन से पिछले शिफ्ट में सॉरी एक एक क्वेश्चन आया था, यहाँ पे 3 क्वेश्चन आए थे, फैमिली टाइप ट्री था राइट, फैमिली टाइप ट्री आपको पता होगा। डायरेक्शन सेंस से 3 क्वेश्चन आए हुए थे, इसका लेवल इजी टू मॉडरेट था, और मिसलेनियस टॉपिक से 1 क्वेश्चन आया हुआ था, ओके बेस ऑन नंबर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, ओके पिछले
शिफ्ट में भी ये पूछा गया था नंबर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड का, तो इस शिफ्ट में भी वही एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन रिव्यू 2020 द ओवरऑल लेवल ऑफ एग्जाम वॉज मॉडरेट। ओके, नंबर ऑफ क्वेश्चन देखिए क्वांटिटेटिव के, अगर डीआई की बात करें हम लोग तो 15 क्वेश्चन आए हुए थे, एक 6 मार्क का डीआई था, एक 5 मार्क का और एक 4 मार्क का डीआई, लीनियर चार्ट डीआई, कैसलेट एंड टेबुलेशन। फाइन, इन द लाइन चार्ट द नंबर ऑफ गर्ल्स पार्टिसिपेटिंग इन एन इवेंट। ओके, जो लाइन चार्ट था वहां पे गर्ल्स एक इवेंट में पार्टिसिपेट करने के जो है वहां पे उस टाइप का चार्ट आया हुआ था। टेबुलेशन बेस्ड डीआई इन विच 3 डेज। ओके, टेबुलेशन का जो डीआई आया हुआ था मतलब टेबुलर डीआई, यहाँ पे 3 डेज थे। ओके, मंडे ट्यूजडे एंड वेनसडे वेयर गिवन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखिए 5 क्वेश्चन आए थे, इजी लेवल था उनका। मिसिंग नंबर सीरीज 5 क्वेश्चन, मिसिंग नंबर सीरीज वॉज आज द पैटर्न ऑफ द सीरीज वॉज मॉडरेट लेवल। मिसलेनियस क्वेश्चन अरिथमेटिक से, नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 आए थे, पिछले शिफ्ट में 13 क्वेश्चन डाले थे उन्होंने। तो क्वेश्चन फ्रॉम द मिसलेनियस सेक्शंस वर लिटिल टाइम कंज्यूमिंग। ओके, अगेन कैलकुलेटिव, इसलिए ये सेक्शन थोड़ा सा मॉडरेट हो जाता है। 2-4 क्वेश्चंस वेयर कंपैरेटिवली इजी। ओके, 2-4 क्वेश्चंस बाकी क्वेश्चंस से कंपैरिजन में इजी थे ये बोल रहे वो। इंग्लिश का देख लेते हैं, देखिए इजी टू मॉडरेट सेक्शन था, पिछले भी शिफ्ट में ये इजी था पिछले एग्जामिनेशन में। आरसी नंबर ऑफ क्वेश्चन 10, 3 क्वेश्चन बेस्ड ऑन वोकैब, वहां पे पिछले शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आए थे, यहाँ पे 3। वन वर्ड वॉज ग्लीमिंग एंड अदर वॉज इनकॉन्ग्रुअस। ओके, ये 2 वर्ड्स आए हुए थे वोकैब से। द पैसेज वॉज लेंदी, थोड़ा सा लेंदी था, ऑब्वियसली ये पीओ का एग्जामिनेशन है तो पैसेज इसमें लेंदी आते हैं। द पैसेज वॉज बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, एआई पे ये पैसेज बेस्ड था। फ्रेज रिप्लेसमेंट, टोटल ऑफ 5 क्वेश्चंस वेयर आस्क्ड, इसमें से 5 क्वेश्चंस आए हुए थे और क्वेश्चंस वर डूएबल, मतलब करने लायक थे ये। ओके, क्लोज टेस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन 7, 7 मार्क की क्लोज टेस्ट, इजी टू मॉडरेट इसका लेवल था। एरर डिटेक्शन देखिए 3 क्वेश्चन आए हुए थे, द करेक्ट सेंटेंस वॉज टू बी आइडेंटिफाइड आउट ऑफ द 5 ऑप्शंस। ओके, और इसका लेवल इजी टू अगेन मॉडरेट है। वर्ड एक्सचेंज द 5 क्वेश्चंस आए थे फ्रॉम दिस टॉपिक, द लेवल ऑफ क्वेश्चंस वॉज इजी, ऑल द क्वेश्चंस वॉज डूएबल। ओके, मतलब हर क्वेश्चंस करने लायक यहाँ पे थे। देखिए गुड अटेम्प्ट्स, रीजनिंग एबिलिटी के 25-27 है, इंग्लिश लैंग्वेज के 25 है, न्यूमेरिकल एबिलिटी के 24-26 है और ओवरऑल 68-74। ओके, गुड अटेम्प्ट इस शिफ्ट में निकल के आए हैं। द एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखिए पिछले वीडियो में भी हम लोग इसके बारे में डिस्कस किए थे, राइट। डिफिकल्टी लेवल पे ये डिपेंड होता है। ओके, अगर कोई नया क्वेश्चन टाइप का क्वेश्चन इंट्रोड्यूस हुआ है उस पर भी ये कट ऑफ डिपेंड होता है। नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स, कितने एप्लीकेंट्स ने एग्जाम्स दिए हुए उस पर भी ये कट ऑफ ये जो है कट ऑफ डिपेंड होता है, और कितनी वैकेंसीज है उस पर भी ये कट ऑफ डिपेंड होता है। फाइन, चलिए थोड़े क्वेश्चंस यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, उसको डिस्कस करते हैं। विल देयर बी नॉर्मलाइजेशन, देखिए मैंने अभी अभी आपको बताया कि बैंक में नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस होता है, यस होता है। ओके, इस शिफ्ट, ओके हर शिफ्ट के लिए, वॉज देयर मतलब इस शिफ्ट के लिए, मतलब जिसमें डिफिकल्टी लेवल थोड़ी सी ज्यादा है इसके उसके लिए नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस होता है। वॉज देयर एनी मेजर चेंजेस ऑब्जर्व इन दिस ईयर ऑफ एग्जाम, यस एक मेजर चेंजेस, मतलब देखिए आईबीपीएस आरआरबी का जो एग्जामिनेशन हुआ था जहाँ पे लोकल लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज में ये क्वेश्चन दिए थे, तो इस एग्जाम में भी ये पैटर्न फॉलो कर रहे हैं वो लोग। ओके, लोकल लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज का ओके टुगेदर में ये डिस्प्ले कर रहे हैं दोनों भी लैंग्वेज। इज आईबीपीएस फॉलोइंग सेफ्टी मेजर्स, यस सेफ्टी मेजर तो वो फॉलो कर रहे हैं सेंटर्स पे। ओके, तो हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। ये शिफ्ट सेकंड का एनालिसिस था, हम लोग शिफ्ट थर्ड का एनालिसिस भी थोड़ी देर में देखने वाले हैं। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टेक केयर एंड स्टे कॉन्फिडेंट।